हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके पैशन दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे मल्टीपल प्रोजेक्ट रिलेटेड वैकेंसीज के बारे में और जानेंगे कहाँ कहाँ पे इसकी वैकेंसीज को निकाला गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरे किसी वीडियो को मिस करना ना कर सकें। तो देखिए, अगर आप मेरे चैनल को देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च करें दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब ट्रेलर। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपको इस टाइप का जो है मेरे चैनल का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं जॉब से रिलेटेड जो वैकेंसीज है, चाहे वो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर या स्कॉलरशिप से रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन आता है, इसके अलावा साइंटिस्ट पोस्ट या प्रोजेक्ट रिलेटेड जो भी वैकेंसीज हो, चाहे वो JRF की हो, चाहे SRF हो, चाहे RA पोजिशन हो, तो उन सबकी वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है वो मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ। इसके अलावा अगर आप CSIR, JRF नेट, ICMR, JRF, DBT, JRF नीट या BSc या MSc एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो कंटेंट है वो रेगुलरली अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप चाहें तो वो भी कंटेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर बायोलॉजी से रिलेटेड कंटेंट और जो भी जॉब से रिलेटेड वेब कंटेंट है वो मैं आप यहाँ पे मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप इन टाइप के जो जितने भी वीडियोज़ हैं उनको आप मिस ना कर सकें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला नोटिफिकेशन आया है वो आया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, जो कि NII, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। तो यहाँ पे देखिए, नेम द प्रोजेक्ट और ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट मेंशन कर रखा है। तो प्रोजेक्ट अगर हम देखें तो लिखा है यूजिंग नेक्स्ट जनरेशन जीनोम एडिटिंग टूल किस पर Cas9। तो ये एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी किस पर Cas9, जो कि जीन एडिटिंग के लिए यूज की जाती है। इन सिनरोबेटिव एलिगेंस टू अंडरस्टैंड द मॉलिकुलर लिंक ऑफ न्यूट्रिएंट सिग्नलिंग एंड एजिंग। और इस प्रोजेक्ट को जो फंड मिला है वो मिला है DBT, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने इसे फंडेड किया है। ठीक है, तो पोस्ट डिटेल की हम बात करें नंबर ऑफ पोस्ट की, तो देखिए यहाँ पे SRF या JRF जो है वैकेंसी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने MSc के बाद अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे JRF का वैकेंसी मिलेगा। वहीं अगर आपके पास MSc के बाद आपको 2 ईयर्स का अगर आपको रिसर्च एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ पे SRF का जो है यहाँ पे पोजीशन मिल जाएगा। तो पोजीशन 1 है और ये जो पोजीशन है उसका उनका PI है डॉक्टर अन्ना मुखोपाध्याय, स्टाफ साइंटिस्ट 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपका MSc या MTech होना चाहिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या अदर एरिया ऑफ लाइफ साइंस में, और MCA में गुड एकेडमी विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। ठीक है, तो इसके अलावा आपका कोई भी नेशनल लेवल एग्जामिनेशन वो आपके पास क्लियर हुआ होना चाहिए, जैसे CSIR नेट आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अगर हम बात करें एमोलूमेंट्स की, तो आपको यहाँ पे जो एमोलूमेंट मिले वो एज पर DST OM के अकॉर्डिंग मिले। ऐसे कि SRF के लिए 35,000 पर मंथ प्लस आपको 24% HRA, और JRF के लिए आपको 31,000 पर मंथ प्लस 24% HRA। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जॉब डिस्क्रिप्शन एंड डिजायर्ड नॉलेज जो है वो यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो अगर आपको ये सारा जो लाइक नॉलेज है इन सब का, तो आपको यहाँ पे जरूर प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको यहाँ पे जो है ईमेल के थ्रू बता दिया जाएगा, और जो डेट और टाइम रहेगा इंटरव्यू का वो भी आपको यहाँ पे बाय ईमेल जो है बता दिया जाएगा। ठीक है, अब ईमेल जो इंटरव्यू होगा वो आपका ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टूल्स के थ्रू होगा, चाहे वो आपका जूम जूम हो, चाहे आपका वो स्काइप हो। ठीक है, वो डिपेंड करता है किसके थ्रू आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अप्लाई बुक का तो कैसे करना है, आपको यहाँ पे जो है फॉर्मेट दे रखा है, देखिए प्रिस्क्राइब का फॉर्मेट दे रखा है, इसे आपको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है 100 रुपीज़ का, ऑन कैनरा बैंक और इंडियन बैंक से, और पेएबल है न्यू दिल्ली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपका जो DD होना चाहिए वो होना चाहिए इन फेवर ऑफ द डायरेक्टर NII SC ST PH। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो डिमांड ड्राफ्ट वो डायरेक्टर कॉमा NII जो है इसके पे आपका जो इसके फेवर में आपका जो है यहाँ पे डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आप SC ST फिजिकली हैंडीकैप या वुमेन कैंडिडेट्स हैं तो आपको यहाँ पे कोई फी पे नहीं करनी। तो देखिए, ये प्रिस्क्राइब परफॉर्मा है, तो आपको इस प्रिस्क्राइब फॉर्मेट को आपको फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद आपको सेंड कर देना है। ठीक है, तो ये इसका एक बेसिक सा क्राइटेरिया कि आपको कैसे अप्लाई करना है और आपका जो इंटरव्यू कैसे होगा, तो ये सारा डिटेल जो इसमें मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब हम देखते हैं दूसरा नोटिफिकेशन। दूसरा नोटिफिकेशन हमारा है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज से। तो यहाँ पे देखिए, MS नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, और यहाँ पे जो पोजीशन आपको मिलेगी वो SRF की पोजीशन यहाँ पे दी जाएगी, और यहाँ पे आपको जो PI है वो डॉक्टर इंद्रानी दत्ता है। ठीक, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर एंड PI है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोफिजिक्स निमहांस बेंगलुरु। क्लियर, तो यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपका MSc डिग्री होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ रीजनरेटिव मेडिसिन या बायोफिजिक्स या फिजियोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री में विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड। और यहाँ पे देखिए, अगर आपका मास्टर डिग्री आपने कंप्लीट किया है और आपको 2 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस है, तभी आप यहाँ पे जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिजायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेल कल्चर में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री विल बी रिक्वायर्ड, और यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स, एमोलूमेंट जो आपको दिया जाएगा 35,000 प्लस 24% HRA, और ड्यूरेशन जो आपका प्रोजेक्ट है वो 2 ईयर्स का रहेगा। ठीक है,
तो इसके अलावा अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो, और अगर आप इसको फुलफिल कर रहे हैं एलिजिबिलिटी को, तो आप अपना रिज्यूम और आपको एज प्रूफ के लिए आप 10th का सर्टिफिकेट भी यहाँ पे लगा सकते हैं, और आपको सेंड कर देना है indranidatta.biophysics@gmail.com। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अगर आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपका जो है इंटरव्यू होगा, इट विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एंड द डिटेल विल बी कम्युनिकेटेड ऑफ द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट, और लास्ट डेट इज रिसिप्ट ऑफ द फील्ड एंड सॉफ्ट कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म इज 12 सितंबर। ठीक है, यानी 1 टू अगर डे अगर डिले भी हो जाता तब भी आपका जो है यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट में मैंसन कर रखा है 12 सितंबर। एप्लीकेशन रिसीव लेटर विल नॉट बी इंटरटेन, तो इन्होंने मैंसन कर रखा कि आफ्टर 12 सितंबर अगर कोई भी लाइक एप्लीकेशन अगर रिसीव होता है तो इट विल नॉट बी इंटरटेन, लेकिन मोस्टली क्या होता है 1 टू 2 डे अगर आप लेट भी सेंड करते हैं तभी वो उसे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट नोटिफिकेशन आया है पंजाब यूनिवर्सिटी से, तो वे एडवर्टाइजमेंट एप्लीकेशन इन्वाइटेड विद द डिटेल बायोडाटा अलॉन्ग विद ईमेल एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर फॉर 1 पोजीशन। तो यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट असिस्टेंट की 1 पोजीशन, DST SST भी प्रोजेक्ट में, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम भी मैंसन कर रखा है, और जो लास्ट डेट है वो 17 सितंबर है। तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका MSc माइक्रोबायोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी बायोकेमिस्ट्री में होना चाहिए। डिजायरेबल अगर आपका नेट JRF नेट LS गेट या ARS नेट है तो आपको यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दिया जाएगा। इस टाइप में आपको 22,000 मिलेगा, तो टोटल अमाउंट आपको 22,000 मिलेगा। ड्यूरेशन जो रहेगा वो आपका रहेगा 1 ईयर का और टिल कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट, एज बिलो 40 ईयर्स, और यहाँ पे एज जो है लाइक, और आपका जो PI है वो नवीन गुप्ता है। ठीक है, तो अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है तो आपको अपना CV और आपके जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है वो सारा आपको मेल करना है। तो यहाँ मेल ID मैंसन कर रखा है ng.puchd@du.ac.in, तो इस पर जो है आप मेल कर सकते हैं अपना सारा जो भी आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट और आपका CV है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट नोटिफिकेशन। नेक्स्ट नोटिफिकेशन वो आया NIPGR, तो वन ऑफ द रेपुटेड इंस्टीट्यूट है प्लांट्स रिलेटेड। अगर आपको प्लांट्स से रिलेटेड कुछ लाइक कोर रिसर्च करनी तो आप NIPGR ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट रेपुटेड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। और देखिए यहाँ पे जो प्रोजेक्ट निकाली गई है उसकी लाइक पोजीशन जो भी टेम्प्रेरी है, और ये DBT फंडेड प्रोजेक्ट है। यहाँ प्रोजेक्ट इन्होंने मेंशन कर रखा है कैरेक्टराइजेशन ऑफ चिक बी जर्म प्लाज्म रिसोर्स टू एक्सलेटेड जीनोमिक असिस्टेड क्रॉप इंप्रूवमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो आपका PI रहे हैं वो डॉक्टर स्वरूप कुमार परीदा, साइंटिस्ट NIPGR। तो यहाँ पे RA3 की 1 पोजीशन है, और यहाँ पे जो एमोलूमेंट आपको दिया जाएगा वो DST या DBT नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका कैंडिडेट हैविंग PhD डिग्री, तो आपका PhD डिग्री होना चाहिए लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी मॉलिकुलर बायोलॉजी में, तो अगर आपका है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट है वो SRF का या प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 का है, तो यहाँ पे 1 पोस्ट है। जो भी आपका एमोलूमेंट मिलेगा वो एज पर DST DBT नॉर्म्स के अकॉर्डिंग होगा, और कैंडिडेट सेलेक्टेड टू नेट, यानी कि आपका यहाँ पे क्लियर होना चाहिए नेट। नेट अगर आपका क्लियर है तभी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट एसोसिएट 2 PA2, यहाँ पर भी जो आपका जो एलिजिबिलिटी है वो एज पर DST ऑफिस के अकॉर्डिंग है, और जो अपर एज लिमिट वो 35 ईयर्स है। इसके अलावा आप JRF और प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का भी यहाँ पोजीशन को निकाला गया है, सेम चीज़ जो है, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी या एमोलूमेंट जो है वो एज पर DST या DBT नॉर्म्स के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे दिया जाएगा। तो ऐसे करके आप स्किल्ड लेवल का भी जॉब निकाला है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 2 करके जॉब को निकाला गया है पोजीशंस को। इसके अलावा JRF की पोजीशन भी निकाली गई, और जो RA की पोजीशन भी यहाँ पे मेंशन कर रखी है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आपको अपना एक सिंगल PDF फाइल बनाना है, जिसमें आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा और आपका कवर लेटर होगा और आपके जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट है, जैसे आपका नेट का सर्टिफिकेट या आपके जो पब्लिकेशन है वो सारा आपको अटैच करना है। पब्लिकेशन मोस्टली जो फर्स्ट पेज उसे अटैच करना है, और आपको सेंड कर देना है swaroop@nipgi.ac.in within 15 डेज। ठीक है, तो within 15 डेज आपको जो है इसको सेंड कर देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो आपको यहाँ पे जो है जो भी इंटरव्यू से रिलेटेड जो भी लाइक डेट और टाइमिंग वो आपको यहाँ पे बाई ईमेल जो है बता दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ओनली सॉफ्ट कॉपी, यानी आपको भाई मेल ही आपको जितने भी जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट करना है, यहाँ पे कोई भी हार्ड कॉपी देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और मोस्टली जो इंटरव्यू वो आपका ऑनलाइन ही होगा। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।